फाइनली फाइनली और अच्छे हो गए सब उतने उतने यंग लग रहे हैं वैसे के वैसे जैसे कि 5 साल वैसे सीरियसली बिल्कुल कोई चेंज नहीं और ज्यादा एनर्जेटिक हो गए हैं सबके सब एवरीबॉडी एलओई सीखने के बाद तो हमें सब कुछ आ गया है हम जो भी ड्रीम देख रहे हैं वो सब पूरे हो रहे हैं थैंक्स टू अंजना मैम थैंक्स टू एवरीवन मुझे सुनाई आया कि हमारा जो भविष्य की बातें वेबिनार हुआ था 5 साल पहले और हमने जो जो डिस्कस कर लिया था आप सब अचीव कर चुके हो वाओ क्लैप फॉर एवरीवन सब रियली मैम एक एक सेंटेंस जो जो हमने किया था मैनिफेस्ट वो सारी चीजें हो गई है कंप्लीट वाओ प्रतिभा अब तो स्टॉक मार्केट की क्वीन हो चुकी है अब तो स्टॉक मार्केट की क्वीन हो गई प्रतिभा थैंक यू थैंक यू कितनी कंपनीज हैंडल कर रही हो अभी मैम 30 प्रतिमा को बोलो मेरी कंपनी प्रतिमा के चार्जेस इतने वो लोग बेचारे वापस आके मैम प्रतिमा बहुत चार्ज करती है फोल्डर मैनेजमेंट कर सकते मैम रिटर्न्स भी बहुत अच्छे मिलवा देती हूँ मैं yes, वो मुझे पता है मेरा सीए बता देता है कि कहाँ कहाँ से कितने रिटर्न्स आए प्रतिमा इज हैंडलिंग माय कंपनी वाओ प्रतिमा तो प्रतिमा आपका चैनल भी बहुत टॉप कर रहा है हमारी भी तिजोरियों में नोट भरते जा रहे हैं ऑल थैंक्स टू प्रतिमा हम लोग सब एकदम थैंक यू रचना आप लोग ज्यादा मोटिवेट कर रहे हो कॉन्ग्रेचुलेशन हमने इतनी लैविश ने शादी सबने अभी तक हस्बैंड ओह माय गॉड मैंने 5 साल पहले जो भविष्य की बातों में बिल्कुल वो वैसा सा सीन मुझे अपने वेडिंग सबके इतने अच्छे बिजनेस चल रहे हैं तो आपकी शादी में सबसे मिलना हुआ तो बहुत मिलना हो गया था सबसे बहुत अच्छे है बहुत अच्छे है बहुत डैशिंग है बहुत स्मार्ट है आपके हस्बैंड प्रपोज कर रहे थे रचना दैट वाज ऑसम मतलब ऐसा लग रहा था आसमान से फूल गिर रहे हैं आप दोनों पर कसम से इतना प्यारा कपल एंड द वे ही वाज सो हम्बल मतलब मैंने पहली बार निवेदिता तुम्हारे केक्स वगैरह तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं मैं तो मतलब कहीं पे भी रहूं तुम्हारे केक जरूर ऑर्डर करती हूँ वाओ बहुत टेस्टी होते हैं मुझे भी सिखा रहा कैसे बनाते हैं सुपर डिलीशियस है सुपर डिलीशियस मेरे घर में तो मेरा बेटा बिल्कुल फैन है निवेदिता के केक एंड पेस्ट्री बस वहीं से मंगवानी होती है उसे इसकी सीक्रेट रेसिपी है ये नहीं बताने वाली है हर कंट्री में हर शहर में इन्होंने इतनी स्माइलिंग बैचेस खोल दिए कि पता है मैम के स्टूडेंट तो केक ऑर्डर करेंगी मेरी सारी सेलिब्रेशन चलते रहता है हर रोज किसी कंट्री में किसी देश में किसी शहर में मेरे स्टूडेंट को सक्सेस मिलती है और केक ऑर्डर हो रहे हैं निशा के यहाँ से है ना निवेदिता हाँ जी हाँ मेरी बेटा भी बॉम्बे आएगी ना जब उसको एक अच्छी सी बैग दिलवा देना तुम्हारे इसमें से मैंने जो लग्जरी कलेक्शन है ना बिजनेस यस में से एक दिलवा देना और आपके बेटे के लिए भी कुछ भेजना है आपके लिए कुछ भेजना है ये नहीं नहीं बेटी की बेटी की मेरी बहू के लिए कुछ भेजना शुरू हो गया कृति का अभी आपने जो रिसेंटली परफ्यूम लॉन्च किया है ना लिटरली बहुत अच्छा लगा मुझे मैं तो फैन हो गई बस आपकी थैंक यू सबके लिए ये गिफ्ट मैंने पैक टीना बता रही थी कि दुबई में ओ हाय मेरी बेटी आ गई मेरी बेटी से बोला हाय अरे वाह हॉलीवुड स्टार आ गए हॉलीवुड स्टार ब्रांड एम्बेसडर है मोस्ट बिजीएस्ट पर्सन इन आवर ग्रुप उसको तो इतनी रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए यही तो मेरे मिलनी चाहिए बिल्कुल बिल्कुल मॉडल है ये
माय गॉड यू नो नो वर्ड एंड जैसे मैं एप्पल की कोई इतनी हाई फ्लाइंग मैगजीन में देखती हूँ पिक्चर देखती ये वही एप्पल है जिसकी 5 years पहले हम लोग ऐसे पहले हमने देखा था छोटी सी बच्ची सी लगती थी लेकिन अब तो माय गॉड मुझे तो लगता है वो एंजेलिना जोली यू नो से भी ज्यादा कहीं ज्यादा मतलब रिकॉर्ड आगे निकल गई है बहुत आगे सीरियसली मैंने सुना आपका कैसा चल रहा है थैंक यू सो मच मैंने इतना डांटा था पता है कीर्ति एप्पल को जब एप्पल ने बताया कि उसने तुम्हारी ब्रांड के लिए मॉडलिंग किया शी सेड कि मैंने इतना चार्ज किया ऐसे तुम पागल हो कीर्ति से चार्ज किया यस मॉम मेरी मैनेजर ने चार्ज किया मतलब एप्पल की वजह से मेरे ब्रांड का इतना अच्छे से सेल हो रहा है तो उसको तो मैं मतलब कोई बड़ी बात नहीं मेरी वापस बुलाओ वापस मुझे आपके उसकी लाइक न्यू जब आप प्रोडक्ट लॉन्च करोगे तो वापस मुझे मेरी बेटी बोलती है मुझे वही हैंडबैग चाहिए जो एप्पल ने कैरी किया था बच्चों के लिए एक लॉन्च करने वाली हूँ एक कलेक्शन तो डेफिनेटली उसके लिए भी कुछ मेरी तरफ से सरप्राइजेस होंगे तो हमेशा हर फोटो में कोई ना कोई जीके का प्रोडक्ट होता ही है सच अ ब्यूटीफुल नेम एंड सच अ ब्यूटीफुल मॉडल आई हैव रचना एप्पल विद जीके राइट रचना एप्पल इज ऑलवेज विद जीके एप्पल तो जो एप्पल मुझे किसी प्रोडक्ट के पास दिख जाए मैं तो वैसे इतनी शॉपाहोलिक हूँ मुझे लगता है ये तो अपनी एप्पल का प्रोडक्ट है ये तो खरीदना बन रही है तो जरूरत हो ना हो वो तो बस खरीदना ही खरीदना इंस्टेंट इम्पल्सिव बाइंग होती है मेरी और आपकी नहीं भी होती है ना रचना तो आपके पति आपको ला ला के दे देते हैं रचना आपके पति को सब कुछ पता है मेरी रचना को क्या पसंद है क्या पसंद है मेरे हस्बैंड तो सारा दिन मुझे ग्रुप के लोगों की वो दिखाते रहते हैं अचीवमेंट्स की ये प्रतिमा का देखो जरा पोर्टफोलियो कहाँ पहुंच रहा है तुमने अंजिता मैम को देखा है सारा टाइम उनके तो बिगेस्ट बिग शॉट होटल्स में जब देखो सेमिनार्स जो चल रहे होते हैं अभी उनका ओपरा का शो आया था तुम्हें तो देखने की फुर्सत नहीं मिली है मैंने कहा माय गॉड यही सब देखने के लिए मैं जिंदा हूँ और अंजिता मैम आपका जो मैंने घर देखा उस दिन मुझे तो लगा था मैं व्हाइट हाउस में एंटर कर गई हूँ माय गॉड आपका जो न्यूयॉर्क वाला घर है मुझे तो लग रहा था कि स्टाफ भी बहुत अच्छा है स्टाफ था ओहो और जिस तरह से वो एटिकेट्स और जिस तरह से वो ड्रेस्ड अप थे उनका जो ड्रेस कोड था माय गॉड मुझे तो लग रहा था ये मैं कोई पार्लियामेंट हाउस में आ गई हूँ या रचना पता है आपको जो आपने देखा ना मेरे घर में ये कुछ साल पहले पता है हूबहू मैंने विजुलाइज किया था आई थिंक 2 या 3 बार विजुलाइज किया था मतलब जब मैं आंख बंद करके बैठती थी मेरे घर का ऐसा एंट्री है और फिर जब भी कोई मेरे घर आएगा पूरा मेरा स्टाफ ऐसे लाइन से खड़ा हुआ है जिसमें भी और ये सिर्फ मैंने 3 या 4 बार विजुलाइज किया था एप्पल को पता है एप्पल याद है मैं विजुलाइज करती थी और हूबहू फाइनली ये हो गया जिस बात की आप तारीफ कर रहे हैं अपन विजुलाइजेशन साथ में बातें करते थे कि अपन मॉम को साथ में बात करती थी कि एप्पल अपना ऐसा स्टाफ होगा सब यूनिफॉर्म पहनेगी मस्त बहुत रॉयल क्लासी एंड अब ऐसा हो गया और अब घर में घुसती और मैं देखती हूं लाइक वाओ बहुत टोटल रॉयल्टी फील हो रही थी घर में टोटल रॉयल्टी फील हो रही थी और लग नहीं रहा था कि कोई एक दो लोग रहते हैं इस घर में लग रहा था मतलब का पूरा कुटुंब रहता है लेकिन इस तरह का स्टाफ और जो स्टाइलाइज घर था मतलब माइंड ब्लोइंग आपको पता है रचना मेरा घर लेकिन कभी खाली नहीं रहता पूरे वर्ल्ड वाइड इतने स्टूडेंट है कहीं ना कहीं से हम आ जाए हम यहाँ आ रहे हम इस कंट्री में हम न्यूयॉर्क में छोटे से काम है पता है वहाँ पे जो प्लांट्स है वो कविता के फार्मर्स ने भेजे हम के इसमें कंपाउंड में They need very less water and what you say, whatever. मतलब आपको उनको देखने की जरूरत नहीं एक बार प्लांट कर दो ज़्यादा मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं है exactly. तो कविता जी आपने जो काम किया है ना आपके फार्मर्स को लेके आपने you taught them aloe and all It's a great thing. आपने बहुत अच्छा रेवोल्यूशन लाया है आज तक हम लोगों ने सुना था सिर्फ जवार और बाजरा ही होता है राजस्थान में लेकिन अब तो मतलब इम्पॉसिबल होने लग गया है वहाँ पे कितनी सारी चीजें मतलब धान गेहूं क्या क्या नहीं हो रहा है वहाँ पे मैं तो बारिश मतलब कविता को प्रेसिडेंसी अवार्ड देखा था ना तब नहीं लग
आ जाता है कि छोटी सी पतली दुबली लड़की इतना बड़ा सपना देख रही, पॉसिबल होगा कि नहीं? बड़ा सीरियसली मैम, मैंने कविता को कहा था कविता आपको इम्पल्स आई है तो काम हो चुका है, सिर्फ टाइम ट्रैवल करना है, और आज टाइम ट्रैवल कर लिया हम लोगों ने, है ना? कविता को अभी प्रेसिडेंट से अवार्ड भी मिला है हमारे प्रेसिडेंट से, इनके काम की वजह से। क्या न्यूज पे देखा था, सितंबर को मिला था, मैंने देखा था टीवी पे, देखा था मैंने। कांग्रेचुलेशंस कविता, कांग्रेचुलेशंस कविता का जॉब कैसा चल रहा है? वो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशनल ऑफिसर की पोस्ट पे पहुंच के आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। आपकी बुक को इन्होंने बच्चों के सिलेबस पे लगा दिया है, मुझे पता पड़ा कि वहाँ के राजस्थान के बच्चे लॉ अट्रैक्शन, और पता है अभी तो अट्रैक्शन पढ़ रहे हैं बच्चे ना, 40 से 40 करोड़ करके गाना और डांस राजस्थान के बच्चे, मुझे ये क्या चल रहा है? देन आई रियलाइज ओ बुक लॉन्च हो गई, कंपल्सरी सब्जेक्ट हो गया। बच्चों की लाइफ तो बचपन में ही बन गई, माय गॉड, बच्चों की लाइफ तो बचपन में ही बन गई, स्कूल से निकल के करोड़पति बन गए। ऑल इंडिया में, ऑल इंडिया में भी ये बुक सिलेबस में लगे, राजस्थान में तो लग गई, तो आप सबको क्रिएट करो। यस आशा मैम, कांग्रेचुलेशंस मेरी बुक को इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए, आपके छोटे से सपने ने घर घर में हर बच्चे का लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिखवा दिया कविता, आपकी वजह से। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। इवन मेरे बेटे ने आपकी बुक पढ़ी और उसने 10th में स्टेट लेवल पे टॉप किया। कॉन्ग्रेचुलेशन प्राउड मदर, कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू, थैंक यू टू अंजना मैम एंड थैंक्स टू लॉ ऑफ अट्रैक्शन। मैम आपको भी तो अभी प्राइस मिलने वाला है पीएम से हमारे, क्योंकि आपको तो बिल्कुल मदर टेरेसा जैसा पूरा सारा कुछ, आपका नाम ही दूसरा मदर टेरेसा हो गया है। बहुत सारे ये सेकंड मदर टेरेसा है, ये मदर टेरेसा है। Every time when we would talk and you would be like, "What second Mother Teresa banna hai? Mujhe to second Mother Teresa banna hai." And look at you now. And yes. Finally, yeah, ban gayi. मुझे आप YouTube पे देखती थी ना जब शुरू में मॉम, एक ने कहा शायद जयश्री ने मॉम कहना शुरू किया, फिर हमारी बैच के लोगों ने मॉम, फिर हर कोई करते करते यहाँ तक मैं पहुंच गई, अभी और भी आगे जाना है। बट यस, मदर टेरेसा का टैग्स अभी लोग बात करने लगे, यू नो, ये तो वो दूसरी मदर टेरेसा है। अच्छा लगता है मुझे, आप लोग के साथ ही शेयर किया था मैंने ये रिमेम्बर कि मुझे यही रास्ता, रचना ने तो पूछा भी था, रचना मुझे पूछती है आपको क्यों पहुंचना है, ऐसे रचना इम्पल्स आई थी, रचना देख लिया इम्पल्स आने के रिजल्ट्स? बिल्कुल, आपसे बात ही नहीं रह गई अंजना मैम। अब आप एक बुक लिखिए, 40 से 40 करोड़ मैजिक ट्रिक्स, आपके पास इतनी मैजिक रियली 40 करोड़ मैजिक ट्रिक्स, मैजिकल गॉडेस क्या बोला था आपने मुझे लास्ट भविष्य की बातें वेबिनार में? हाँ बिल्कुल, मैंने बोला था कि आप एक मेरे लिए आप एक गॉडेस की तरह हैं, who's creating magic, तो आप मेरे लिए मैजिकल गॉडेस हैं, आप गॉडेस सरस्वती नहीं है, आप मैजिकल गॉडेस। और अंजना मैम की तो गाड़ी के ना आसपास एक तो ड्राइवर होता ही होता है और तीन और स्टाफ के लोग होते हैं, एक ये वाला डोर खोलता है, एक दूसरा वाला डोर खोलता है, उनका ड्रीम था और ये आपका ड्रीम था, आप खुद भी अभी भी शो क्वीन होके भी खुद ही ड्राइव कर रहे हो और अंजना मैम के चार दरवाजे चार डिफरेंट लोग खोलते हैं। मैम की तो बात ही अलग है, वो मैम है सच में, मेरे शौक ही वैसे ही थे, मैं क्या करूं, मैंने पता है एप्पल को प्रियाशा को बाउंसर्स बना के घुमाया है कई सालों के पीछे, एंड फाइनली नाउ आई गॉट माय बाउंसर्स। अभी तो एप्पल के खुद के आसपास टॉम क्रूज और इधर ऐसे खड़े होते हैं जैसे वो बाउंसर्स हो, अभी तो एप्पल के ऑस्कर नॉमिनेट हुई उसका शो, ऑस्कर जो नॉमिनेशन हुआ मेरी तो आंखें खुली रह गई, मैंने कहा वाओ एप्पल इज लाइक और हम इतना ज्यादा खुश हो रहे थे, हमें ऐसा लगा था ये जी हमारी फैमिली मेंबर है, हम कितने अच्छे से जानते हैं इनको, बहुत अनबिलीवेबल, इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल। मैम मेरे को बता दो कि निवेदिता जो है वो एक
बहुत सक्सेसफुल डेटा साइंटिस्ट है, शी इज वन ऑफ द बेस्ट इन इन द वर्ल्ड. उन्होंने एमएस किया फ्री में स्कॉलरशिप में यूएस जाके एंड शी इज सेटल्ड देयर. एंड मुझे टीना बता रही थी दुबई में जो बिजनेस है दुबई और इंडिया में, तो वहां पे उनका जो डेटा साइंस का जो नॉलेज है, दे मेक डेटा, दे यूज डेटा टू फाइंड आउट ट्रेंड्स एंड ऑल, तो उसमें उनको काफी यूज हुआ निवृत्ति का जो भी इनपुट है. तो आई थिंक शी इज डूइंग अ रियली गुड जॉब. एंड टीना जी बहुत हैप्पीली मैरिड है. उनका मुझे कॉल आता है दैट शी कांट जॉइन दिस वेबिनार बिकॉज शी इज बिजी विथ हर डॉटर्स स्टडीज एंड ऑल. सो आई सेड ओके फाइन, बट शी टोल्ड मी दैट उनकी 3 साल की बेटी है, उनके इन लॉज और हस्बैंड साथ में रहते हैं एंड दे आर वेरी सपोर्टिव इन आवर बिजनेस वेंचर्स, इन आवर फैमिली लाइफ, पर्सनल लाइफ, बहुत सपोर्ट करते हैं. उनके हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, मतलब आई पर्सनली मेट हिम and he's really very cool and humble guy. And Dolly was also telling me unke wahan ki biryani house ki biryani taste nahi ki kya. अरे यार यार, next time definitely will try. आप बोल सकते हो जैसे पहले तो टीना का भी खोला है उन्होंने और दुबई में भी. यस, जैसे टीना के मैरिज में थोड़ा सा डिले हो रहा था, एक दिन वो वेबिनार में मिली अंजना मैम को, बोलती है आप ब्लेसिंग दे दो, अगले दिन लड़के वाले आए, शादी फिक्स एंड अभी तो उनकी डॉटर भी हो गई है एकदम. बहुत प्यारी डॉटर है, बहुत प्यारी डॉटर. और मुझे डॉली ने भी बताया कि शी कांट जॉइन दिस वेबिनार क्योंकि उनका कुछ राइटिंग का कुछ सेशन शुरू हो रहा है. तो शी इज डूइंग अ वेरी गुड जॉब इन राइटिंग, उनका करियर एकदम पीक पे चल रहा है एंड वो कैलिफोर्निया शिफ्ट हो चुकी है अपने हस्बैंड के साथ. तो डॉली जी, वी आर मिसिंग यू, बट नेक्स्ट टाइम जरूर ज्वाइन कीजिएगा बिकॉज वी वांट टू सी इन पर्सन अगेन आफ्टर 5 years. हम लोग एक पार्टी जब अरेंज करेंगे तो प्लीज सब लोग आइएगा, जयश्री सबको बुलाना है ना, बिरयानी भी आनी चाहिए और निशा के यहाँ से फ्री में केक आना चाहिए. भाई मैं नहीं पैसे देने वाली. हाँ जी रचना, तुम्हारा बिजनेस है ना बहुत सारे एडवर्टाइजिंग के, उसमें थोड़ा सा एडवर्टाइज कर दो मेरे लिए. एडवर्टाइजिंग तो सभी लोग करते हैं, मेरा एक पर्सनल ब्रांडिंग का बिजनेस है जिसमें कि मैं आप सब लोगों को एकदम रॉकस्टार ब्रांड बनाने वाली हूँ. अपने अपने फील्ड के इतने मास्टर्स हो चुके हो तो सबको अपना अपना पोजीशनिंग करना है एज अ ब्रांड. जैसे शाहरुख खान है. निवेदिता, दिस इज ऑल्सो फ्रॉम योर कंपनी. एप्पल जस्ट ऑर्डर एप्पल, उसको याद आ गई कि मॉम वही वाला केक मुझे खाना है. यू नो आपकी कंपनी में वो जो ऑरेंज कलर के मिनी केक्स बनते हैं, इट्स हियर एंड थैंक यू सो मच, इट्स वेरी टेस्टी. इट्स अ ऑरेंज फ्लेवर. आई डोंट नो कब आपने लॉन्च किया था ये ऑरेंज फ्लेवर वाला. थैंक यू मैम, आपके वजह से मेरे कंपनी ने इतना प्रॉफिट किया एंड ऑल द पीपल इन द वर्ल्ड आर एंजॉयिंग माय केक फ्लेवर्स. Yes. And thanks to you people also, you are actually spreading my flavors and every part of the world is actually enjoying my cake. Thank you so much. Yeah, but thank you so much for that. आप इतना tasty cake बना के हमको खिला रहे हैं. Thank you so much. कीर्ति, celebration रचना क्या रोज चलते हैं? उनका आपका जो 5 साल पहले करीब उनका आपका एक वेबिनार अटेंड कराया था, तो उससे पहले वो ऐसी बातें बोलती थी कि अब हमारा कब बुलावा आ जाए, हमें कुछ पता नहीं, तुम शादी कर लो, हम लोग थोड़ा निश्चिंत हो लें. अब उसकी जब से आपका वेबिनार उन्होंने अटेंड करा, फिर मैंने उन्होंने बोला कि मुझे बुक मंगवा के दो, मुझे पढ़नी है, उस दिन से वो रोज बुक पढ़ती थी. एक बार खत्म हो जाती थी, रिपीट शुरू कर दिया. उसके बाद उनकी लाइफ इतनी चेंज हो गई, जो भी घर में आता था उसको लेक्चर देने बैठ जाती थी. तो जैसे आपने प्रपोज किया कि क्या वो हैप्पीनेस सेंटर संभाल लेंगी दिल्ली वाला, तो वो तो शी जंप्ड एट द ऑप्शन. उनको तो अपना लाइफ का मिशन ही मिल गया हो जैसे. हाँ, बिकॉज रिसेंटली मैंने कॉल किया दिल्ली ब्रांच में और बोले कि मैम अच्छा ऐसे संभाल कौन रहा है, बिकॉज मुझे नहीं पता पड़ता कौन सी ब्रांच कौन स्टाफ संभाल रहा है. एंड सीरियसली उनका नाम बताया, ऐसे कौन है ये लेडी इतना अच्छे से ऑपरेट कर रही है. तो बोले मैम आपकी एक स्टूडेंट थी रचना हंस, उनकी मॉम है. आई सेड ओ देन आई रियलाइज्ड कि अच्छा आपकी मॉम ऑपरेट कर रही है. इतना अच्छे से हैप्पीनेस सेंटर में इतना हैप्पी रहते हैं सब लोग रचना. और उसके बाद एवरीबॉडी इज अप्रिशिएटिंग योर मॉम की हमारे यहाँ एनर्जी ही उनकी मॉम की वजह से आती है. जैसे ही सुबह सुबह उनकी मम्मी आती है और एनर्जी भर देती है सब में सीनियर सिटीजन में.
आपकी बुक पढ़ पढ़ के बहुत बदल गई, उनमें इतना चेंज आ गया, मेरे को खुद अनबिलीवेबल रहता है कि ये मेरी वही वाली मॉम है क्या. और मैं खुद उनसे बहुत कम मिल पाती हूँ आजकल, मैं खुद ही घूमती रहती हूँ सब जगह, लेकिन बस आपकी बातें और आपके हैप्पीनेस सेंटर की बातें और अपनी उनकी लाइफ, अब तो मैंने स्टेटमेंट ही कभी नहीं सुनी कि कब ऊपर वाले का बुलावा आएगा. तो उनको कोई मतलब नहीं रचना, अब उन्हें जाना है, 100 साल का केक काटते जाएंगे वो जब भी जाएंगे. वो भी वो केक भी हम निवेदिता कैसे मंगवाएंगे, रचना की मम्मी का 100 बर्थडे वाला केक है ना. बिल्कुल बिल्कुल, अब वो बिल्कुल उस तरह की बातें नहीं करती हैं. yeah. और मैं आप सब लोगों को यही कह रही थी कि मेरा जो एक कंपनी में बिजनेस है कि ब्रांड मैनेजमेंट का, तो क्योंकि आप सब लोग इतने इतने ज्यादा सक्सेसफुल हो चुके हो, तो आप सब लोगों को अपने आप को पोजीशन करना है एज अ ब्रांड, यू नो. जैसे कि आज से 10 साल पहले शाहरुख खान वॉज अ बिग ब्रांड, यू नो. तो अभी आप लोगों की सक्सेस को मुझे देख के लग रहा है कि सब लोग अपने आप में एक ब्रांड हो. तो आप लोगों को कुछ यू नो एक प्रोसेस फॉलो करना होता है, क्योंकि आप लोगों के मुझे शेयर करनी होगी कि आप लोग अपने आप को कैसे मार्केट में पोजीशन करना चाहते हो, व्हाट इज योर विजन फॉर लाइफ, व्हाट इज योर मिशन स्टेटमेंट. तो वो सब आप लोगों को मेरे साथ शेयर करनी है. आप सब लोग बिल्कुल वर्थ $1 million ब्रांड हो, सब लोगों को ब्रांड कहलवाना है, और सब लोग डिजर्व करते हो कि आप लोग सबको सबकी प्रॉपर पर्सनल ब्रांडिंग की जाए, जिसका भी एक टेक्निक होता है. तो वी आर ऑल, आई एम गोइंग टू सेंड यू द डॉक्यूमेंट्स कम क्वेश्चन है, आप सब लोगों ने वो फिल करके मुझे भेजना है और मैं अपनी टीम को प्रोसेस में लगा दूंगी फर्दर. बट प्लीज मेक टाइम, बिकॉज आप सब लोग इतने जबरदस्त सक्सेसफुल हो, सो यू हैव टू बी कॉल्ड एज ब्रांड्स ऑल्सो, लाइक यू नो आई एम सो हैप्पी एंड आई एम सो अमेज्ड. रचना, चार्जेस क्या रहेंगे? चार्जेस कुछ नहीं रहेंगे आप सब लोगों के लिए, यू नो, सिर्फ मुझे ब्लेसिंग्स चाहिए कि मैं भी और बड़े से बड़ा ब्रांड बनती जाऊं और यू नो आप सब लोगों के लिए. रचना जानती है वो जितनी हेल्प करेंगे उतना ज्यादा मल्टीप्लाई होके आएगा इनके पास. अभी रचना को बैंक बैलेंस देखने की जरूरत नहीं पड़ती, रचना मुझे ठीक है यार कर दूंगी, मेरे पास बहुत पैसा पड़ा है पीछे मेरी बैंक में. जयश्री थैंक यू सो मच, आपका तो मैं हाथ जोड़ के धन्यवाद करूंगी. मैं हमेशा से कहा करती थी मुझे बहुत सारी अंजनाएं चाहिए, बिकॉज एक अंजना पूरे वर्ल्ड में हैप्पीनेस नहीं फैला सकती. सो जयश्री इज माय राइट हैंड, हर जगह वही टीचिंग्स हैं जयश्री की, जो मैं टीचिंग्स इनको दी थी वही टीचिंग्स ये फैला रही है. और इतने जब जब मुझे ऐसा लगता है ये सेमिनार मुझे नहीं लेना है, मेरी मैनेजर सोनाली जयश्री, जयश्री सेमिनार ले लो, जयश्री इज ऑलवेज रेडी. थैंक यू सो मच जयश्री. जयश्री से बात करने के लिए हमें भी अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, बिकॉज जयश्री इतना बिजी हो गई है वेमिनार्स लेने में. शी इज वेरी पॉजिटिव, वेरी हम्बल, सिंस माय फर्स्ट बैच आई नो हर वेरी वेल. तो उसकी को क्रिएशंस तो मतलब आप बहुत, शी मैनिफेस्ट सो फास्ट और बहुत अच्छा अच्छे से मैनिफेस्ट करती हैं बहुत जल्दी. थैंक यू जयश्री और अंजना मैम और आप सबका कि आप हम लोग की लाइफ में आए. थैंक यू सो मच जयश्री इतनी बिजी रहती है, हर वक्त बोलेंगी आई हैव ओनली 2 मिनट्स. तो मैं जैसे उनको याद दिलाती हूँ ना कि मैं तो रचना हूँ, अंजना मैम के फर्स्ट बैच वाली, यू हैव फॉरगॉटन. अच्छा अच्छा रचना, ओके अब बोलो, तब वो मुझे सुनती है, अदरवाइज तो उनके पास टाइम नहीं है. शी इज सो डैम सक्सेसफुल. ये बहुत फर्क पड़ता है ना, आपको अपना बताना पड़ता है मैं वो वाली हूँ, देन फिर अपने आप वो दिल से वो आ जाता है कि नहीं यार इनसे तो बात. मैं अगर अंजना मैम का नाम ना लूं और उनको याद ना दिलाऊं तो मुझे तो अपॉइंटमेंट मतलब फोन पर भी 2 महीने बाद मिलेगा, इतनी बिजी है जयश्री. बट जयश्री हैदराबाद भी बहुत अच्छे से सेटल हो चुकी है, उनकी जो बेटी है अवीरा, हस्बैंड, ये लोग बहुत अच्छे से रह रहे हैं, उनके अम्मा अप्पा बहुत हेल्दी हैं, बहुत अच्छे से उनके साथ मतलब शी इज वेरी हैप्पी नाउ, दे आर लिविंग टुगेदर. और उनकी सिस्टर और उनके हस्बैंड भी बहुत अच्छे से हेल्दी वेल्दी लाइफ स्पेंड कर रहे हैं दूसरे के साथ. जयश्री का घर, उनके हस्बैंड, अम्मा अप्पा सब संभाल रहे हैं, जयश्री पूरी दुनिया को संभाल रही है, ये चल रहा है अभी जयश्री के घर में, राइट. जयश्री तो ब्रांड मोटिवेशनल स्पीकर है. थैंक यू एवरीवन, अच्छा कोऑपरेट कर रहे हैं. मैम आपको याद है मैंने 5 ईयर्स पहले वेबिनार में बोला था कि मेरे पास एक ऑडी होगी, और जब मैंने वो लिया और मतलब मुझे सडनली वही याद आ गया कि यस मैंने ये मैनिफेस्ट किया था और ऐसा हुआ है. और मैम आई थी उस कार में डांस करने, हम दोनों लॉन्ग ड्राइव पे भी गए थे. बहुत कांग्रेचुलेशंस प्रतिमा, मैंने इसीलिए आपका बेटा. या
बच्चे की तरह जैसे होता है ना कि झूठा खाना है, उस तरह से मैं मैम के प्राइवेट जेट में बैठी कि मैम चलो मुझे तो अभी घुमा के लाओ, मतलब यार मुझे इतना क्रेज आ रहा था, मुझे तो उनके प्राइवेट जेट में बैठ के हवा खा के आनी है, जैसे हम लोग बचपन में करते थे ना कि कोई नई गाड़ी खरीदी है तो अभी ड्राइव पे लेके चलो, वैसे ही मैंने अंजुला मैम को इंसिस्ट करा एंड इतना मजा आया ना, मतलब फिर से लगा कि कैसे मैजिक है इसका मैं लाइव, आई मीन यू नो आप लोग दोनों साथ में गए थे क्या पूजा के घर जेट में? कितने बजे पहुंचे थे पूजा मैम क्या रात को? ना रात को नहीं, आप शाम को आए थे, कॉफी दी थी मैंने आपको और बिस्किट्स भी खाए थे। हाँ और पूजा सरप्राइज, रचना और मैं खड़े हैं पूजा के घर के बाहर, रचना होती ये क्या हुआ ऐसे, तुम्हीं ने तो मैनिफेस्ट किया था, तुम्हीं ने तो कहा था प्राइवेट जेट से नाम आएंगे, लो आ गई। दो मिनट तक शी वाज स्पीचलेस, उसको लगा कि ये विश्वास नहीं हो रहा है, दे आर नॉट स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी, और उसके बाद तो डांस कर रही थी, जो डांस किया था बाद तो मैं डांस कर रही थी, डांस करना बंद, मतलब सिर्फ पूजन हम डांस आपको याद है पूजा का डांस देखने के बाद। शादी में भी अच्छी से डांस की था, आपको याद है हम लोग कीर्ति की बेटी के बात कर रहे थे कि वो नासा में उसको ट्रेनिंग मिल रही है एक्चुअली, कीर्ति का जो बेटा है he's doing very well, he's doing very well, वो अपने एकेडमिक्स में भी बहुत अच्छा कर रहा है, और इनके जो हस्बैंड है वो नेवी में तो बहुत बड़े पोजीशन में चले, मर्चेंट नेवी में बहुत बड़े पोजीशन में चले गए हैं, एंड कीर्ति इज हैविंग अ बहुत बढ़िया टाइम, शी इज सेलिंग अराउंड द वर्ल्ड अलोंग विद हिम, एंड उनका बेटा वहां पे नासा में, तो शी इज हैविंग अ वेरी गुड लाइफ। मैंने पढ़ा था इनके बेटे के बारे में, वाओ बहुत अच्छा लगा मुझे जान के वो नासा पहुंच गया, कांग्रेचुलेशंस, थैंक यू सो मच। और वैसे मैं मेरा खुद का ब्रांड मैंने लॉन्च कर दिया है, तो मैं अपने बिजनेस में इतनी बिजी हूँ कि अब मुझे समझ ही नहीं आता, मैं अभी उनसे इतना हार्डली मेरी बात हो पाती है मेरे बेटे से और मेरे हस्बैंड से, मैं इतनी बिजी हो चुकी हूँ। थैंक ऑल थैंक्स टू अंजना मैम, ये वो है जिन्हें सोना बहुत पसंद था और अब अपनी ये ब्रांड संभाल रही हैं और अब इनके पास सोने का ही टाइम नहीं है, राइट कीर्ति? बिल्कुल टाइम नहीं है मैम, अब तो बिल्कुल टाइम नहीं, आई एम सो बिजी विद माई बिजनेस, फिर भी वो इतनी हम्बल है, पता है मैम कि उसने, मैंने जब बोला ना मेरी बेटी आ रही है उसके पास एक तुम हैंडबैग भेज दो, तो उसने बढ़िया से बढ़िया हैंडबैग चूज किया है मेरे लिए। आपने पूजा जी परफ्यूम्स यूज नहीं किए मैंने जो भेजे थे? नहीं मैं पूजा करिएगा, लिटरली ऑसम है परफ्यूम, मैंने यूज किया है, आई लव द कलेक्शन ऑफ माई परफ्यूम्स, तो मैंने सबके लिए सरप्राइजेस रखे हुए हैं, एक एक जब मिलेंगे, जब हम लोग अच्छी वाली पार्टी थ्रो करेंगे तो हम लोग जरूर एक दूसरे के अच्छे अच्छे गिफ्ट देने वाले हैं, और वो हमारी फोटो सब पेज 3 में आने वाली है, तब लोग देख के जलस होने वाले हैं कि ये लोग इतने एंजॉय कर रहे हैं भाई, हर महीने कितने पेज 3 पे पिक्चर्स आएंगे, कितने क्यों चलाती हो लोगों को मैम, हम लोग इतनी लैविश पार्टी थ्रो करते हैं तो अब फोटो तो आएंगी ना हमारी। हॉलीवुड में वही एप्पल का हाल है, हॉलीवुड में एप्पल का भी वही हाल है जो ये यहाँ पर सिंधुजा का हाल है, सेम दोनों के दोनों अपने हमारे बीच में सब हॉलीवुड बॉलीवुड सेलिब्रिटी है, दोनों लड़कियां। अरे मैम वो वाला कप मालूम है, मैंने अपनी मैरिज के बाद भी वहां पर भी यही वही यूज करा, और कई बार तो हाथ धो गई क्योंकि जब भी मैं उसमें चाय पीती थी तो करोड़ों की डील्स होने लगती थी, बिजनेस डील्स, तो कई बार तो मैं ट्रैवल करते हुए साथ ले गई, मेरे हस्बैंड बोला कि माय गॉड ये तो हाइट हो गई है यार, तुम हर जगह अपना कप निकाल के बैठ जाते हो। क्योंकि हमारे फार्मर्स है और सभी आपसे मिलना चाहते हैं अंजना दी से। मुझे 5 साल हो गए इंडिया नहीं आई हूँ पता है कविता, हर बार मुझे लगता है कि फार्मर से जाके मिलना है, जिस तरह से तुमने राजस्थान, लेकिन यहाँ तो आपको आना पड़ेगा दी, आऊंगी आऊंगी बहुत जल्द आऊंगी, सोनाली से एक बार बात कर लेना, उसको कहना कि सारे काम रोक दे यूएस के यूके के बाकी सब जगह के, अब एक इंडिया का ट्रिप दे दे, बिकॉज 5 साल बाद मुझे मेरा देश याद आ रहा है, बहुत टाइम हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, और मैम आइएगा तो अपने एजेंट से मिले बिना मत जाना, बिल्कुल भी नहीं,
हम सभी से मिलना जरूर। मुंबई में डेफिनेटली होगा सबके लिए, इतना फैल चुका है मेरा फैमिली, यू नो एलओए फैमिली, और इसलिए मीट एंड ग्रीट मुंबई में होगा। कहाँ होगा मुझे नहीं पता, बिकॉज इतनी बड़ी जगह चाहिए अगर सब लोग, क्योंकि जिस दिन पता पड़ गया अंजना मैम आ रही है, मुझे पता है एयरपोर्ट पे भीड़ लगने वाला है, इसीलिए मुझे आधे से ज्यादा ना मुझे डर लगता है इंडिया में भी, अब नहीं जा रही मैं इंडिया, बहुत भीड़ लग जाएगी। भीड़ नहीं मैम, वो प्यार है फैंस का, आपके स्टूडेंट्स का। याद है एक बार, पता है लास्ट टाइम क्या हुआ था ना, मैं जब इंडिया आई थी तो हमेशा से, याद है आप लोग को, मैं हमेशा कहती थी $40 million चाहिए, $40 million चाहिए। तो मेरा एक स्टूडेंट है जयंत करके, जो पुलिस में थे और जो मोस्टली मुझे सिक्योरिटी दिए थे, और उनको मैंने बताया था कि जब भी मैं $40 million इंडिया लेके आऊंगी तो भारत सरकार मेरे को सिक्योरिटी देने वाली है। आप लोग को याद है किस हद तक की सिक्योरिटी मिली थी मुझे, कितनी भीड़ थी एयरपोर्ट पे जब मैं इतनी मुद्राएं लेके इंडिया आई थी, विदेशी मुद्राएं, 800 करोड़ रुपए लिटरली मैंने सूटकेस में लगवाया था, कैश पूरा। और मेरा ये सपना था जब मैंने, कब की बात है, जब मेरा हैप्पीनेस सेंटर का इनॉग्रेशन हुआ था, जयंत और उनकी गर्लफ्रेंड आए थे इंदौर, और तब मैंने बोला था कि मेरा सपना है कि मैं सूटकेस में विदेशी मुद्राओं को अपने भारत लेके जाऊं और भारत सरकार मुझे सिक्योरिटी दे। ऐसी भीड़ लगी थी जयश्री, मैं क्या बताऊं, बिल्कुल मतलब मैं वो एयरपोर्ट पे डांस नहीं कर पाती, पहले मैं ना डांस किया करती थी ऐसे ना एयरपोर्ट पे, अब नहीं कर पाती, और वो ऐसे करके सिक्योरिटी सब घेर लेते हैं। मस्त, रचना को देख के बहुत मजा आता है, हाँ जिस तरह से ये, और ऐसे रोमांटिक पिक्चर्स इनके फेसबुक और इंस्टा पे देखती हूँ ना मैं, देख के दंग रह जाती है, वही रचना है। हाँ रचना कहाँ से भर भर के आता है रोमांस लाइफ में, बस ये सब आपके कारण ही हो पाया पॉसिबल, आपकी बातों में आ गई और रुक गई, नहीं तो अच्छा ये बताओ रचना, खुश हो कि नहीं, वैसा ही कि वैसा मिला कि नहीं मिला जैसा तुम चाहती थी? मैंने कहा था ना बिल्कुल वैसा, वैसा क्या, उससे भी बहुत ज्यादा बढ़ के, यू नो कुछ मैम को क्योंकि फॉलो किया था, हमेशा खुश रहती थी, ऑप्टिमिस्टिक रहती थी, मेडिटेशन करती थी रोज, तो इम्पल्सिस पे काम किया, तो आई थिंक वही काम कर गया कि ये लो यूनिवर्स का, ये लो ये लो ये लो, ये भी ले लो वो भी ले लो, हैव मोर हैव मोर, यू नो तुम्हारी लिस्ट वाला तो मैंने बना ही दिया, हैव मोर, तो अभी अभी उनकी लाइफ ऐसे लगती है कि ओ माय गॉड दिस इज मच मोर, सो बहुत बहुत ही ऑसम लाइफ एंड ऑल थैंक्स टू यू एंड इट इज इनक्रेडिबल। और अभी भी लेकिन इच्छाएं अभी कम नहीं हुई है, वो बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे मैजिक अनफोल्ड होता जा रहा है तो लग रहा है ओ ये भी हो गया वो भी हो गया, तो ये तो और भी सब कुछ हो सकता है, जो कि पहले बिल्कुल इम्पॉसिबल लगता था, इम्पॉसिबल इम्पॉसिबल लगता, अगला जन्म लेना पड़ेगा। मतलब खुशियां जैसे कविता मुझे कह रही थी हो जाते हैं जीने के लिए ना, कि एक जन्म और मिल जाए, है ना, मैम से मिलने से पहले तो लग रहा था कि अब जीवन को खत्म कर दूं, और उसके बाद इतना जीवन आ गया कि अभी तो कितने किसानों की वो मजहबा बन गई हैं, और वहां पर तो बारिश हो रही है, और यू नो मतलब पूरा का पूरा स्टेट ही बदल गया, बच्चे तो स्कूल से चलते ही करोड़पति बनना शुरू हो जाएंगे बुक पढ़ पढ़ के, आपकी बुक पढ़ के वही होता है। कैसा लग रहा है आपको, इतना कुछ अचीव कर लिया आपने 5 साल में? बहुत अच्छा लग रहा है, मैंने जो 15 करोड़ के जो कुएं लगवाए वो भी आपके आपसे इंस्पायर होके ही लगवाए हैं, थैंक यू सो मच, और उसी की बदौलत आज ये हमारा राजस्थान हरा भरा हुआ है, और इसी हरियाली की वजह से ना बारिश को अट्रैक्ट करते हैं, है ना, सारी जगह पेड़ है हरा भरा है, तो बारिश तो ऑटोमेटिक होने लग गई, अब कुएं तो लगवा दी, अब कुएं लगवा दी, अब और ज्यादा कुएं लगवाने की जरूरत नहीं है क्योंकि बहुत होने लगी। वाओ वेरी नाइस, प्रतिमा कहाँ जाना है, कहाँ क्लाइंट्स वेट कर रहे हैं, माय गॉड प्रतिमा इज सो बिजी, प्रतिमा आज तो हमारे लिए पूरा टाइम निकाल के आती, इतना मजा आ रहा है सबको बात करने में, बहुत मजा आ रहा है, लिटरली बिल्कुल मन नहीं है, बट क्या करे पता है आपको। ये भी जरूरी है और ये वो भी जरूरी है। प्रतिमा का नाम मैंने रखा हुआ है मनी प्रिंटिंग मशीन। थैंक यू तो प्रतिमा हमारे लिए भी नोट छापती है, अपने लिए तो छापती है बिल्कुल मनी, बहुत मजा आया सबसे इंटरेक्शन करके, बहुत लंबे टाइम बाद सबसे मिले, बहुत मजा आ रहा है मैम, लेकिन क्या करूं जरूरी आ गया है,
और मुझे मीटिंग अभी लीव करनी पड़ेगी। अंजना मैम के मैनेजर से बात करनी है, एक महीना पहले अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। हम सब लोग न्यूयॉर्क में मिलके पार्टी करने वाले हैं, सब अपनी अपनी अपॉइंटमेंट डायरी बुक करा दो अपने अपने सेक्रेटरी को। तो मैं भी, मुझे भी यही लग रहा है कि आई थिंक जैसे प्रतिमा को जाना है, आप सब लोग इतने बिजी शेड्यूल में से मुझसे मिलने आए, मुझे बड़ा मजा आया। yes. तो आई थिंक कीर्ति मुझसे ज्यादा जल्दी में है, फ्री कर दूं आप सबको, है ना। नहीं मैम के लिए, मैम के टाइम बाद हमको, मैम इतने टाइम बाद देख रहे हैं हमको, तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है सबसे मिलके और सबकी सक्सेस स्टोरीज के बारे में जान के, तो और भी अच्छा लग रहा है कि हमने 5 साल में, लास्ट 5 इयर्स में इतना कुछ अचीव कर लिया। एंड बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन लोगों को समझ में नहीं आता कि ये चीज है क्या, और हमने इतना कुछ अचीव कर लिया अब तक, तो सबको जानने का हक है हमारे बारे में कि हम इतने सक्सेसफुल हो गए हैं आज। थैंक यू सो मच अंजना मैम, बिकॉज ऑफ यू एंड योर बुक हम लोग इतने अच्छे लेवल पे पहुंच चुके हैं जो सिर्फ लोग ड्रीम कर सकते हैं। और क्या अचीव करके दिखाया है, 4 चीजें ही की, मेडिटेशन, ग्रैटिट्यूड, रीडिंग, राइटिंग, दैट्स इट, और कुछ नहीं किया। दैट्स इट, दैट्स इट, है ना। यस, वेरी ट्रू। यस मैम, यस, ग्रैटिट्यूड फॉर के मेडिटेशन, लोगों के पास अंजना मैम की तरह मदर टेरेसा नहीं होती है ना, हम इतने ज्यादा लकी थे कि हमें मदर टेरेसा मॉम और अंजना मॉम का मैजिक मिल गया, तो हम लोगों की सबकी लाइफ आज कॉम्प्लिकेटेड कुछ भी नहीं उनके अंदर, तो This is very nice, अंजना मैम के बारे में हमेशा मतलब मैं रिलेट कर पाती हूँ मैम से, बहुत घर जैसा फीलिंग होती है कि हाँ ये फैमिली मेंबर है। मैं एलओए टेक्निक नहीं सिखाती कीर्ति, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, दैट इज माय सीक्रेट, दैट्स इट, है ना। यस यस यस, उनकी खुद की लाइफ स्टोरी सबसे बड़ी सक्सेस स्टोरी है ना, उससे बड़ी टेक्निक। जयश्री थैंक यू सो मच फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस मीटिंग। वेलकम मैम, थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग। थैंक यू जयश्री, थैंक यू, थैंक यू जयश्री, थैंक यू मेरी तरफ से भी, लास्ट टाइम सबसे मिलकर के आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी टुडे। गालों में तो दर्द हो गया है, जो हम चीज करना चाहते हैं उसे मैनेज करना ना, वो पिक्चर की तरह दिखाई देता है ना, बहुत अच्छा लगता है। रचना जी आपको पहले से कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी सारी ड्रीम्स जल्दी जल्दी पूरी हो जाए, और आप सच में हम लोग शादी में जल्दी आए हैं भाई, मैं शादी गए हुए बहुत टाइम हो गया है अभी, बहुत अच्छी जी वाज लाइक अमेजिंग आज तो बहुत मजा गया रचना जी का बात, मतलब शी वाज लाइक टोटली फुल ऑफ एनर्जी एंड एंथुसियाज्म, सबका उन्होंने याद रखा, आई मीन बहुत अच्छा था उनका कॉन्ट्रीब्यूशन। मतलब किसी को नहीं भूली, इनवाइट करने में किसी को नहीं भूली रचना, सबको बुलाया था रचना, सबको याद रखा उन्होंने, एंड शी न्यू अबाउट एवरीवन कि उनको क्या क्या चाहिए, और इतना एंथुसियाज्म है उनमें, मतलब शी सो फुल ऑफ एंथुसियाज्म, एंड जो ज्यादा एनर्जी है उनमें बहुत। कविता से बहुत इंस्पिरेशन मिला है, वो मतलब कहाँ, मतलब सुसाइडल वाला चीज टेंडेंसी थी और अब कंप्लीटली चेंज्ड है, और हैट्स ऑफ हमारे मैम को, स्टेट चेंज कर दिया, हरियाली फैला दी राजस्थान में। चलो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, मजा आया आप सबसे मिलके। एप्पल कहाँ गायब हो गया, एप्पल फिर से। थैंक यू टू यू एंड एवरीवन जो थैंक यू अंजना मैम फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच एवरीवन, मुझे बहुत अच्छा लगा सभी से। मुझसे मिलने का टाइम जरूर निकालना, चाहे आप लोग कितना भी बिजी रहो, बिल्कुल 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 जल्द मिलने जरूर आएंगे। आपको निकालना है पहले तो, आप खुशी होंगे जो रचना को बताया मेरा घर न्यूयॉर्क वाला, है ना। मुझे तो हमेशा यू अमेरिका जाने का इसीलिए एंथुसियाज्म रहता है, मेरी सिस्टर ऐसे ही खुश होती रहती है गलत फहमी में कि ये मेरे को मिलने आती है, मैं तो एक्चुअली आपके दर्शन के लिए।